इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में 12 अप्रैल की रात चेन्नई सुपर किंग ने सीजन की अपनी पहली जीत हासिल की। दरअसल शिवम दुबे और रॉबिन उथप्पा चेन्नई की जीत के हीरो रहे। शिवम दुबे प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए, तो वहीं रविंद्र जडेजा और महेश दीक्षाणा ने भी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल, वर्निंदु हसारंगा और आकाशदीप के विकेट चटकाए। आकाशदीप को पवेलियन भेजने में जडेजा से ज्यादा अहम भूमिका अंबती रायडू की रही। वहीं मैक्सवेल को बोर्ड करने और बाउंड्री लाइन पर दिनेश कार्तिक का कैच पकड़ने के बाद जडेजा का सेलिब्रेशन अंदाज भी छाया रहा। दरअसल आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 23 सितंबर 1985 को जन्मे रायडू ने सुपरमैन की तरह हवा में उड़ते हुए आकाशदीप का कैच लपका। रविंद्र जडेजा की ऑफ स्टंप पर लेंथ बॉल थी। आकाशदीप ने लॉन्ग ऑन की और खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर शॉर्ट कवर के दाईं ओर गई। वहां पर रायडू तैनात थे। उन्होंने अपनी दाईं ओर हवा में डाइव लगाकर असंभव लगने वाले कैच को पकड़ लिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की पारी का 7वां ओवर जडेजा लेकर आए। उन्होंने अपनी 5वीं गेंद पर मैक्सवेल की विकेट की गिल्लियां उड़ा दी थी। जडेजा की ये ऑफ स्टंप पर लेंथ बॉल थी। मैक्सवेल ने पीछे हटकर पुल करने के लिए गए, लेकिन गेंद सीधे रही और बल्ले के नीचे से होते हुए ऑफ स्टंप पर जा टकराई। जडेजा ने बेहतरीन अंदाज में उंगलियों से गोली मारकर मैक्सवेल के विकेट लेने की खुशी मनाई। मैं आपको बता दें, उनका जश्न मनाने का ये अंदाज सोशल मीडिया पर अब काफी वायरल भी हो रहा है। दरअसल इसके अलावा दिनेश कार्तिक का कैच लपकने के बाद जश्न मनाने का जडेजा का अलग ही अंदाज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। दरअसल डीजे ब्रावो 18वां ओवर लेकर आए। ब्रावो की ये गेंद कार्तिक के शरीर पर फुल टॉस थी। कार्तिक ने पहले रूम बनाया और फिर सफल किया और डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर खड़े जडेजा ने कैच लपक लिया। कैच लेने के बाद जडेजा इतने खुश हुए कि वो मैदान पर ही लेट गए। उन्हें शायद कार्तिक के इस विकेट की अहमियत पता थी। कहना गलत नहीं होगा, अगर जडेजा ने वो कार्तिक का कैच नहीं लपका होता तो मैच का रुख शायद पलट सकता था। कार्तिक उस समय 13 गेंदों में 34 रन बनाकर खेल रहे थे। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को जीत के लिए 16 गेंदों में 40 रन की जरूरत थी। वहीं रविंद्र जडेजा कैच छोड़ते तो वो गेंद बाउंड्री के पार गिरती और कार्तिक के खाते में छक्का आता, जिसके बाद बेंगलोर को 15 गेंदों में 40 रन की जरूरत रहती, जो शायद कार्तिक के क्रीज पर रहते मुश्किल लक्ष्य नहीं होता। खैर दोस्तों, कल के मैच को लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।